नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपको पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं साइक्लोपैम एमएफ टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि कौन सी समस्या होने पर और कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, इसको लेने के बाद क्या फ़ायदे होते हैं, इसको लेने के बाद कौन से नुकसान यानी कि कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ये दवाई हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करती है, इस टैबलेट में कौन सा साल्ट कंपोजिशन पाया जाता है और इसको कब, कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, तो इस टैबलेट में कितना है दम, क्या है कम, सब बताएँगे। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले साइक्लोपैम एमएफ टैबलेट को लेने से पहले कौन सी जानकारी हमें होनी चाहिए वो हम आपको बता देते हैं, कौन सी सावधानियां होनी चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। तो भाई, इस टैबलेट का उपयोग करने से पहले अगर आपको किडनी की कोई बीमारी है या किडनी से जुड़ी कोई बीमारी की दवाई आप ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को इस दवाई को लेने से पहले ज़रूर बताएं, या इस दवाई को लेने से पहले आपको कोई लीवर से संबंधी कोई समस्या है या उसकी लीवर से की बीमारी की कोई दवाई पहले से ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं, या अगर आप कोई अन्य दवाई भी किसी बीमारी की इस दवाई को लेने से पहले यूज़ कर रहे हैं तो भी इस दवाई को लेने से पहले, इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। आपको बता दें कि अगर आप महिलाएं हैं, गर्भवती हैं और स्तनपान कराने वाली महिला हैं तो दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट में यूज़ होने वाले साल्ट कंपोजिशन के बारे में। तो आपको बता दें, इस टैबलेट के अंदर डाइक्लोमाइन 10 mg की मात्रा में पाया जाता है और मेफेनामिक एसिड 250 mg की मात्रा में पाया जाता है। बात करें इस टैबलेट के ब्रांड की तो इसको इंडोको रेमेडीज़ लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन ब्रांड है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मुख्य रूप से दो समस्याओं को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो हम विस्तार से आगे हम बात करेंगे। नंबर एक, ट्रीटमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल पेन। नंबर दो, ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्प। ये दो समस्याओं को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इस टैबलेट की विस्तार से। तो ये जो टैबलेट है साइक्लोपैम एमएफ, ये टैबलेट को भोजन के साथ लेना चाहिए, कभी भी इसको खाली पेट ना लें वरना आपको पेट की गड़बड़ी से परेशानी हो सकती है, पेट की गड़बड़ी हो सकती है। डोज और समय इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं, आपकी बीमारी कितनी बड़ी है और आपकी उम्र कितनी है और ये आपके लक्षणों में आपकी कितनी बेहतर तरीके से मदद कर सकती है। इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करें और जब तक डॉक्टर नहीं कहता तब तक इसका सेवन बंद ना करें, वरना आपकी परेशानी बढ़ सकती है। अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है वो हम आगे बताएंगे कि कौन कौन सी इससे लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करें इसके यूजेस की तो महावारी में होने वाले दर्द के इलाज में इसको यूज़ किया जाता है। यह मांसपेशियों में अचानक होने वाले संकुचन यानी स्पैज्म को रोकता है और दर्द तथा इन्फ्लेमेशन का कारण बनने वाले कुछ केमिकल मैसेंजर के स्वतंत्रण को ब्लॉक करता है, जिससे ऐंठन का दर्द, ब्लॉटिंग और असुविधा से राहत मिलती है। यह दवा मासिक धर्म में होने वाली ब्लीडिंग की मात्रा या अवधि को प्रभावित नहीं करती है। इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि के अनुसार लें। पेट में क्रैम्प के इलाज की बात करें तो यह टैबलेट अगर आप पहली बार दर्द महसूस होते ही इसे ले लिया जाए तो इसका असर सबसे अच्छा होता है। यह पेट और आंत में मांसपेशियों को आराम देता है और मांसपेशी के अचानक कॉन्ट्रैक्शन या स्पैज्म को रोकता है। आपको बता दें, साइक्लोपैम एमएफ 10 mg 250 mg टैबलेट, ये जो है अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसे डॉक्टर द्वारा पर्ची में लिखे गए अनुसार लें। कभी भी इस दवाई का डोज या ओवरडोज ना लें वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट को यूज़ करने के बाद कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आपको बता दें, वैसे तो इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफ़ेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से इस दवा का सेवन करने से साइड इफ़ेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह लें। अब आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी इसको लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आपको पहले ही बता देते हैं कि ये जितने साइड इफ़ेक्ट हम बताने वाले हैं ये सारे साइड इफ़ेक्ट सभी लोगों को नहीं होते हैं, इनमें से कुछ साइड इफ़ेक्ट कुछ लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो भाई, इस टैबलेट को लेने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगें तो समझ जाएं कि टैबलेट आपको सूट नहीं कर रही है। इस टैबलेट को लेने के बाद अगर आपको मुंह में सूखापन महसूस होने लगे तो समझ जाएं कि टैबलेट आपको सूट नहीं कर रही है। इस टैबलेट को लेने के बाद अगर आपकी धुंधली नज़र होने लगे तो भाई आप समझ जाएं कि टैबलेट आपको सूट नहीं कर रही है। इसको लेने के बाद आपका उल्टी का मन करने लगे तो समझ जाएं कि टैबलेट आपको सूट नहीं कर रही है। इस टैबलेट को लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगे तो आप समझ जाएं कि टैबलेट आपको सूट नहीं कर रही है। इस टैबलेट को लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगे तो आप समझ जाएं कि टैबलेट आपको सूट नहीं कर रही है।
इस टैबलेट को लेने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगे तो आप समझ जाएं कि टैबलेट आपको सूट नहीं कर रही है। इस टैबलेट को लेने के बाद यानी डायरिया यानी कि दस्त हो जाएं तो आप समझ जाएं कि टैबलेट आपको सूट नहीं कर रही है। इस टैबलेट को लेने के बाद अगर आपको उल्टियाँ होने लगें तो समझ जाएं कि टैबलेट आपको सूट नहीं कर रही है। इस टैबलेट को लेने के बाद आपके सर में दर्द होने लगे तो समझ जाएं कि टैबलेट आपको सूट नहीं कर रही है। तो ये जितने साइड इफ़ेक्ट बताए हैं ये सभी लोगों को नहीं होते हैं। इनमें से कुछ साइड इफ़ेक्ट कुछ लोगों को हो सकते हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो आप समझ जाएं कि टैबलेट आपको सूट नहीं कर रही है। और अपने उन डॉक्टर से मिले, उन डॉक्टर से परामर्श लें कि जिन्होंने आपको ये दवाई दी है, तो आपकी समस्या सुनने के बाद हो सकता है वो डॉक्टर कोई दूसरी दवाई आपको चेंज करके देंगे जो आपको सूट कर सके। बात करें इसके डोज की तो डोज देखो जैसे डॉक्टर बताएं वैसे ही इसको लेना है, अपनी मनमर्जी से या ओवरडोज नहीं लेना है, वरना आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। और कभी भी इसको खाली पेट नहीं लेना है, हमेशा खाना खाने के बाद इस टैबलेट को लेना है। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निगल लें, इसे ना तो चबाना है ना तोड़ना है ना कुचलना है, साबुत पानी के साथ इसको ले लेना है। अब बात कर लेते हैं कि ये शरीर में किस प्रकार से काम करती है। तो साइक्लोपेम MF टैबलेट दो दवाओं का मिश्रण है, डाइसाइक्लोमाइन और मेफेनेमिक एसिड। को बता दें कि डाइसाइक्लोमाइन एक एंटी कोलिनर्जिक है जो पेट और गट यानी कि आंत में पेशियों को आराम देकर काम करता है। यह मांसपेशियों में अचानक होने वाले संकुचन स्पैज्म को रोकता है जिससे ऐंठन दर्द ब्लॉटिंग और असुविधा से राहत मिलती है। मेफेनेमिक एसिड की बात करें तो एक नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि NSAID है जो पेट दर्द और सूजन का कारण बनने वाले कुछ केमिकल मैसेंजर को निकलने से रोकता है। साथ में मिलकर वे महावारी की ऐंठन और पेट में मरोड़ से राहत देते हैं। अब बात कर लेते हैं सावधानियों के बारे में। तो अल्कोहल पीने वालों की बात करें तो अल्कोहल पीने वालों के लिए इस दवाई को यूज़ करने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। तो अपने डॉक्टर से सलाह ले लें अगर आप अल्कोहल लेते हैं। गर्भावस्था की बात करें तो गर्भावस्था के दौरान साइक्लोपेम MF जो टैबलेट है इसके इस्तेमाल से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है, कृपया अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। बात करें ब्रेस्ट फीडिंग की तो स्तनपान के दौरान साइक्लोपेम MF टैबलेट के इस्तेमाल से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध नहीं है, कृपया अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। अब बात करें ड्राइविंग की तो यह ज्ञात नहीं है कि साइक्लोपेम MF टैबलेट का गाड़ी चलाने की क्षमता पर क्या असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। यदि ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो गाड़ी नहीं चलाएं। बात करें किडनी की समस्या वाले रोगियों की तो किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों में साइक्लोपेम MF टैबलेट का इस्तेमाल सावधानी से किया जाना चाहिए। साइक्लोपेम MF टैबलेट जो है इसकी खुराक में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, कृपया अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को साइक्लोपेम MF टैबलेट का इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है। लीवर से जुड़ी समस्या है किसी को तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। लीवर की बीमारी से पीड़ित मरीजों में साइक्लोपेम MF टैबलेट का इस्तेमाल सावधानी से किया जाना चाहिए। साइक्लोपेम MF टैबलेट की खुराक में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, कृपया अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। अब बात कर लेते हैं कि साइक्लोपेम MF अगर टैबलेट दुकान पे या किसी मार्केट पे नहीं मिल रही है तो इसकी जगह हम कौन सी टैबलेट ले सकते हैं। तो अगर ये टैबलेट आपको मार्केट में नहीं मिल रही है तो इसकी जगह आप मेफ्टेल स्पेस टैबलेट ले सकते हैं। ये भी नहीं मिल रही है तो स्पेस टोन टैबलेट ले सकते हैं। ये भी टैबलेट नहीं मिल रही है तो डाइजमैन टैबलेट ले सकते हैं। ये भी नहीं मिल रही है तो मेफकाइंड स्पेस टैबलेट ले सकते हैं। ये टैबलेट भी नहीं मिल रही है तो इसकी जगह आप कॉलिस्पेस 10 mg टैबलेट या 250 mg टैबलेट ले सकते हैं। ये टैबलेट भी आपको मार्केट में नहीं मिल रही है तो कोलिजा 10 mg 250 mg टैबलेट ले सकते हैं। ये टैबलेट भी आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो बायोस्पास प्लस 10 mg 250 mg टैबलेट ले सकते हैं। ये टैबलेट भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो ZE स्पेस टैबलेट आप ले सकते हैं। ये टैबलेट भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रही है तो इसकी जगह पर नेम स्पेस टैबलेट ले सकते हैं। हमारे द्वारा इस दवाई की दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस दवाई के बारे में पूरी और सही जानकारी मिल सके। आपको बता दें इस दवाई की जानकारी देने के लिए हमने किसी कंपनी या ब्रांड से कोई प्रमोशन चार्ज या पैसा नहीं लिया है। हम अपने चैनल पर सभी प्रकार की दवाइयों की पूरी और सही जानकारी बिल्कुल फ्री में हिंदी में आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आप भी चाहते हैं इसी प्रकार की पूरी और सही दवाइयों की जानकारी पाना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करके बताएं। आपसे बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी एक और नई दवाई की नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।